हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्टिंग अगर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हो या रोड कंस्ट्रक्शन में हो या बड़े बड़े बिल्डिंग में हो, वहाँ पर टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी रहता है कंक्रीट और एग्रीगेट और सीमेंट का। तो कौन कौन सा टेस्ट होता है, उसमें सबसे अहम टेस्ट एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग भी रहता है कि जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है। उसके लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसमें तो पहला आता है टैंपिंग रॉड, और इसमें 3 नंबर सीव का यूज होता है, 12.5 mm साइज का, 10 mm साइज का और 2.36 mm साइज का 3 नंबर सीव की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमको जो सैंपल कलेक्ट करना रहता है टेस्टिंग के लिए, वो 12.5 पासिंग होना चाहिए और 10 mm वाले सीव पे रिटेनिंग होना चाहिए। उसी का ही सैंपल टेस्ट होता है। इसमें एक सिलेंड्रिकल मेटल मेजर होता है जिसमें हम जो सैंपल पीस को इसमें रखा जाता है, तो इसका जो करीब करीब डाया 75 तक रहता है, डेफ्ट 50 mm तक रहता है। इसमें वेइंग बैलेंस भी यूज होता है, जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका वेट करना पर रहेगा, आफ्टर टेस्टिंग के बाद भी उसका वेट करना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीगेट का जो भी मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए हॉट एयर ओवन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे ही जो भी एग्रीगेट है उसको ओवन के अंदर में 2 to 4 hours के लिए रखा जाता है, और जिससे उससे मॉइस्चर निकाला जा सके। सबसे पहले सैंपल को कलेक्ट किया जाता है 12.5 mm सीप से पासिंग करके और 10 mm सीप से रिटेनिंग करके सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है। जो कि आप देख रहे हैं, सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया है, इसको एक प्लेट में रखेंगे, और प्लेट का क्वालिटी ऐसा रहना चाहिए कि वो अगर हम ओवन में रखें वो डिटेरियोट ना हो। और फिर इस प्लेट, मेटल प्लेट को हम रखेंगे ओवन में, और ओवन में करीब 2 to 4 hours तक रखें कि उसका जो मॉइस्चर है एग्रीगेट का वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, और जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है वो 105 प्लस माइनस 5 mm मींस 100 mm से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ओवन में। फिर ओवन से सैंपल पीस को बाहर निकालेंगे। अब इसका जो भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो चुका है। अगर हम बात करते हैं जो टेक्निकल डाटा है ओवन का, आप खुद देख सकते हैं, इस टाइप का आप ओवन ले सकते हैं, कंपनी भी अलग अलग वैरायटी का रहता है। उसके बाद में इसको रखते हैं स्टील कप में, सिलेंड्रिकल स्टील कप में, जिसका डाया 75 mm रहता है, डेप्थ है 50 mm, और 3 लेयर में एग्रीगेट सैंपल को टैंपिंग राड के द्वारा करीब करीब 25 stroke by 25 stroke by 25, 3 लेयर मींस 75 stroke से करके उसको कंपैक्ट करके एग्रीगेट को फिलअप किया जाता है एक पूरा फुल लेवल तक। देखिए, एग्रीगेट प्रॉपर तरीके से स्टील कप में रख लिया गया है, फिर इसको लेके जाया जाता है जो मशीन है, इम्पैक्ट मशीन। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट मशीन का वेट जनरली 45 से लेकर 60 केजी तक का रहता है। इसको टेस्ट पीस को अगेन जो सिलेंड्रिकल शेप का कोन है उसमें रखा जाता है, उसका भी डाया 102 से और डेप्थ है 50 mm। फिर इसमें 15 नंबर स्ट्रोक दिया जाता है
जो स्ट्रोक का प्रोसीजर है वो आप खुद दे सकते हैं, और एक स्ट्रोक के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और विद इन वन सेकंड में ही स्ट्रोक 15 स्ट्रोक लग जाने चाहिए। उसकी काउंटिंग भी होती रहती है, इसमें काउंटर ऑटोमेटिक काउंटर अरेंजमेंट भी लगा हुआ है कि काउंटिंग होता रहता है कि 15 नंबर जो काउंट है वो हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर इसको जो इम्पैक्ट हैमर है उसको होल्ड कर लिया जाता है। आप टॉप सरफेस में भी देख सकते हैं कि जो 15 नंबर हमारा स्ट्रोक लग चुका है और अब क्रश हो चुका है एग्रीगेट, इसको प्रॉपर तरीके से खोलते हैं और इसको 2.36 mm सीप पे रखते हैं। 2.36 mm सीप से इसको प्रॉपर तरीके से सीप करेंगे, छानेंगे, तो जो भी 2.36 mm से छोटा साइज का पाउडर फॉर्म एग्रीगेट जो क्रश हो चुका है वो बॉटम में बैठ जाएगा, निकल जाएगा। तो जो बॉटम में आ गया, जो पासिंग हो गया, उस पासिंग को वेट कर लिया जाता है, उसको अलग कर लिया जाएगा और टोटल रिमेनिंग सैंपल को अलग कर लिया जाएगा। तो हम एक बेट लेंगे जो 2.36 mm से डाउन पासिंग हो चुका है, उसका बेट हमने आप लिए जो कि आया 72 ग्राम आ गया, और हम उसका भी सैंपल लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो टोटल ओवरऑल सैंपल का वेट आ गया, वो आया 314 ग्राम। तो इसमें जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड है, नॉर्मली 73 डिवाइडेड बाई 314 करेंगे तो करीब 23% आ जाता है। इसका प्रॉपर वेट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल एग्रीगेट ए मानते हैं, उसका जो वैल्यू आया हमने वेट किया तो वो आया 314 ग्राम, और वेट ऑफ एग्रीगेट फ्रैक्शन पासिंग ऑन 2.36 mm सीव वो आया 73 ग्राम। जो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू है बी बाई ए इंटू 100, 73 डिवाइडेड बाई 314 ब्रेकेट में इंटू 100, ये करीब करीब आया 23%। मींस जो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपका कंक्रीट बेयरिंग सरफेस है, बेयरिंग सरफेस वाला कंक्रीट है, तो वो इंपैक्ट वैल्यू लेस देन 30% होना चाहिए। वही नॉन बेयरिंग सरफेस के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू 45% तक रह सकता है। इट मींस क्या हुआ कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, मतलब उसका जो सरफेस है बेयरिंग सरफेस है, तो मतलब वहाँ एग्रीगेट की वैल्यू बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, उसका जो बेयरिंग सरफेस होता होना चाहिए वो बहुत रिजिड होना चाहिए, इसलिए जो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू है वो लेस देन 30% होना चाहिए। और वही अगर आपका स्लैब में यूज हो रहा है, कॉलम में यूज हो रहा है, तो वहाँ पर 45% एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू हो सकता है, वो नॉन बेयरिंग सरफेस रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि जो इच्छुक इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं, वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।